Please subscribe our channel and press the bell icon for the notification of our upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा है और इजी है, तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एसिड्स के ऊपर। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं, विनीगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विनीगर। विनीगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनीगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सिट्रस फ्रूट। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सिट्रस फ्रूट उनको बोलते हैं जो खट्टे फल होते हैं, तो खट्टे फलों को सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। और सिट्रस फ्रूट के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रस से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है वो है टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड टी से बनता है टोमेटो, और इसके नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो है ओ। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, टोमेटो के अंदर क्या होता है, ऑक्जैलिक एसिड। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सोर मिल्क। सोर मिल्क होता है कर्ड, दही को बोलते हैं। जहां पर भी मिल्क की बात आती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। मिल्क से रिलेटेड जब भी कोई चीज दिखे तो उसका आपको क्या करना है, लैक्टिक एसिड। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग जैसे होता है डंक, जैसे कि चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, तो उसके अंदर जो एसिड मिलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो आंट या लेटर स्किन के अंदर कौन सा मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। तो और हमारा लास्ट जो है वो है टैमारिंड। टैमारिंड को बोलते हैं इमली, या फिर कच्चे अंगूर को भी टैमारिंड ही बोलते हैं। तो इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है टार्टरिक एसिड। क्या है, टार्टरिक एसिड। तो इमली के अंदर क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड। तो ये बहुत ही कम है और इसको आप इजीली 2 या 3 मिनट में याद कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर पूरे कर सकते हैं।